ये है अढ़ाई का अड्डा, सीधा लिए चलते हैं सीहोर, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। क्योंकि आसपास के क्षेत्र में व्यस्तता के कारण मेरा आना नहीं हुआ था। आज मैंने बहुत सी बहनों को भी बुलाया है, तो आशा बहनें भोपाल में बैठी मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन मैंने कहा बायां तो मैं जाऊंगा, मैं बायां की जनता को, आसपास की जनता को प्रणाम करता हूं। इस बायां में अपन ने दाल बाटियां खाई, बायां में अपन ने पैदल यात्राएं की, बायां में अपन ने साइकिल यात्राएं भी की, और बायां के घर घर में लगभग मैं गया हूं। बायां वालों या पूरे क्षेत्र के बहनों और भाइयों, आपने मुझे बचपन से आशीर्वाद दिया, आपने प्यार दिया, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है कि मैंने आपका नाम नीचा नहीं होने दिया। पूरे मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में आपका नाम फैलाने की कोशिश की। आज इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी है। मेरी बहनों, मैंने जितनी योजनाएं बनाई, गांव में जो मैंने तकलीफें देखी थी जनता की जिंदगी में, वो तकलीफें देख देख के योजनाएं मैंने बनाई। जैसे मैं देखता था, अगर मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो आराम करने का मौका नहीं मिलता था। जन्म देने के पहले तक मजदूरी करती थी, और जन्म देने के बाद 8 दिन का बच्चा नहीं होता था कि खेत में काम करने फिर मजदूरी करने निकल जाती थी। और मैं तब से सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा कि मेरी ऐसी बहनों को आराम करने का मौका मिल जाए। और इसलिए मैंने तय किया कि बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 रुपया और जन्म के बाद 12,000 रुपया खाते में डालूंगा, ताकि गरीब बहन भी लड्डू खा ले और घर पर रहकर आराम करने का उसको मौका मिल जाए। बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई 1.25 साल, उन्हें ऐसी कई योजना बंद कर दी। भाई और बहनों, में देखता था अगर एक्सीडेंट पे मौत हो जाए तो परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता था, कैसे परिवार की जिंदगी चले इसका ठिकाना नहीं रहता था। मैंने संबल योजना इसलिए बनाई कि ऐसे परिवार में भगवान ना करे ऐसी विपत्ति कभी आए, लेकिन अगर आए तो मैंने तय किया कि 4 लाख रुपया पीड़ित परिवार को देंगे, ताकि परिवार की जिंदगी की गाड़ी चल जाए। मैं देखता था हमारे किसान भाई सूखी खेती करते थे, तो जितना बोते थे कई बार उतना नहीं काट पाते थे, और इसलिए मैंने जिद की कि सिंचाई की व्यवस्था हर गांव में करने में। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मॉनसून पूरे उफान पर है। राजधानी रायपुर से लेकर मुंगेरी, कवर्धा समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। रायपुर में देर रात हुई भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। रायपुर के मोबा अंडर ब्रिज में पानी भर गया। निचले इलाके में पानी भरने से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। भारी बारिश को देखते हुए SDRF की टीम को तैनात कर दिया गया है। उधर मुंगेली में भारी बारिश से नदी नालों में बाढ़ आ गई है। आगर नदी का जल स्तर बढ़ गया है। निचले इलाके में कई लोगों के घरों में पानी भर गया है। कवर्धा में भी देर रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से इलाके की नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि सेज बहरा में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश की वजह से सड़क और लोगों के घरों तक में पानी घुस गया। राहत और बचाव कार्य में SDRF की टीम्स लगी हुई हैं, ताकि लोगों को इस परेशानी से बचाया जा सके। प्रयास इस बाढ़ के से हालात में लोगों को राहत देने का है। दरअसल पानी का अधिक बरसना लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और कमोबेश ऐसी ही स्थिति देखने को मिली कवर्धा में, जहां जिले में उफान पर नदी नाले हैं। और आपको बता दें कि दोब घट्टी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। जान जोखिम में डालकर लोग पुल को पार कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, अपने जान जोखिम में डालकर सेल्फी भी लोग लेने जा रहे हैं। सुरक्षा के कोई इंतजाम यहाँ नहीं है। धोब घट्टी गाँव के पास लोग सेल्फी ले रहे हैं जान जोखिम में डालकर।
और कवर्धा में जहां बारिश से हाफ नदी उफान पर है और हाफ नदी के पानी बढ़ जाने की वजह से नदी किनारे जो गांव हैं पानी गांव में घुस गया है और गांव वालों पर अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, गांव तक में घरों तक पानी पहुंच गया है। हालांकि निचले इलाकों में पानी की आवक परेशानी का सबब बन रही है, अभी घरों के अंदर तक पानी नहीं पहुंचा, लेकिन अगर कुछ समय और ऐसे ही बारिश जारी रही तो ये पूरे गांव को चपेट में ले लेगा। कवर्धा से जहां वनांचल में झमाझम बारिश के चलते तरे गांव दलदली मार्ग पर पत्थर गिरे और सड़क पर पत्थर गिरने की वजह से आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई और वाहनों की लंबी कतार लग गई। आवाजाही बाधित होने की वजह से काफी देर तक यहां पर मार्ग भी प्रशस्त नहीं किया जा सका है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये भारी भरकम पत्थरों को हटाने में अच्छी खासी मशीनों का इस्तेमाल करना होगा, तब कहीं जाकर इस मार्ग को बहाल किया जा सकेगा। और कवर्धा जिले में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल खैर झिटी में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश से मिट्टी के घर गिर गए। पंडरिया कुकदुर मुख्य मार्ग पर पेड़ गिर गया। तेज हवा और बारिश से बिजली के तार टूट गए। तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, दरअसल ये भारी बारिश और तूफान की वजह से ऐसी स्थिति बनाई जहां मिट्टी के घर भारी बारिश की वजह से ढह गए, तो तेज हवा और बारिश के चलते बिजली के तार भी टूट गए। नदी नाले तो उफान पर हैं ही, साथ ही उफान के चलते बिजली के तार टूट जाने से बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो गई है। जिले में भारी बारिश से परेशानी बढ़ गई है, लोगों को समस्या पेश आ रही है। बात मध्य प्रदेश की करें तो धार में उफनते नाले को पार करना महंगा पड़ गया एक शख्स को। दरअसल नाले को पार करने के दौरान एक शख्स बह गया। लोगों ने लाख मना किया लेकिन फिर वो कहां मानने वाला था। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है, उस शख्स की तलाश में जुटी हुई है। धार के मुरड़का गांव की ये घटना है। धार में नाले में एक शख्स ने ये सुसाइडल कदम उठाया और लोगों के मना करने के बावजूद, इतनी खबरें दिखाने के बावजूद लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसे उफनते नाले को, नदियों को, पुल के रप्पे को पार करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आप अपनी जान की परवाह नहीं करते, आपके पीछे आपका परिवार परेशान हो, ये ध्यान में रखें। और ऐसी खबरों को देखने के बाद कम से कम खुद को इतना विवेकपूर्ण जरूर रखें कि ऐसा प्रयास आप न करें। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।